आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। मतदाता सूची दुरुस्त करने के साथ चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। खुशखबरी, 10 माह बाद गोरखपुर जिले में एक भी कोविड का नहीं मिला मरीज। पिछले साल 26 जुलाई को मिला था पहला केस, इसके बाद से हर दिन मिलते रहे हैं कोरोना के केस। सीएमओ ने किया खुशी का इजहार, लेकिन नए स्ट्रेन को देखते हुए सावधानियों को बरतने की अपील। चंपा देवी पार्क के सामने गोली चलने और एक्सीडेंट के बीच हलकान रही रामगढ़ताल थाने की पुलिस। एक व्यक्ति ने लगाया 3 बाइक सवारों पर गोली फायर करने का आरोप। डॉक्टरी मुलाहिजा से गोली लगने की नहीं हुई पुष्टि। सीओ कैंट ने कहा तहरीर के आधार पर गहनता से हो रही है जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईजी स्टाम्प मिनिस्ट्री एस ने किया स्टाम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधु समिति की मंडलीय समीक्षा बैठक। गीड़ा क्षेत्र में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना सहित उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। महानगर को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए बृहस्पतिवार को डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार महानगर के संभ्रांत व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आईएमए सहित नगर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से करेंगे मंथन, मांगेंगे सुझाव। बुधवार की देर शाम एडीजी अखिल कुमार ने पैदल भ्रमण कर महानगर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। व्यापारियों से वार्ता कर लिया फीडबैक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक। लाल डिग्गी स्थित छात्रावास की क्षमता बढ़ाए जाने सहित छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 70 पार्षदों सहित 10 मनोनीत पार्षदों को जल्द मिलेगा टैबलेट। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा शुरू हो चुकी है टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया। वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 2 भिक्तों को गोला थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज की तैयारियां हुई पूरी। 25 व 26 फरवरी को दी जाएगी दूसरी डोज। फ्रंटलाइन वर्करों को भी दूसरी डोज व तीसरे चरण के टीकाकरण की तैयारी हुई पूरी। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी। संत कबीर अकादमी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से संत कबीर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संवाद भवन में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। संत कबीर को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कैंट थाना क्षेत्र के नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी का डीआईजी एसएसपी ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। जिले की पहली पुलिस चौकी में महिला फरियादियों और महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा के मद्देनजर पिंक टॉयलेट बनाए जाने पर चौकी प्रभारी को दी शाबाशी। नगर निगम के कर्मचारियों का बैंक में खाता खोलने के लिए शिविर का हुआ आयोजन। 25,000 से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मियों का बैंक अकाउंट खोलने के साथ किया गया 20 लाख का दुर्घटना बीमा। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगर निगम पार्क में किया बैठक। 8 मार्च को महिला दिवस नहीं मनाने का लिया निर्णय। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेंट्रल जोन डेलीगेसी की ओर से आयोजित 11 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दिखाया अपना दमखम। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी टीम को फाइनल में दिलाया प्रवेश।